हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और हम भी यहाँ बहुत अच्छे हैं। और अब बज रहे हैं शाम के 5 और मैं जा रही हूँ अपनी अलमारी की सफाई करने के लिए, जो कि मैं दिवाली की सफाई से पहले सोच रही थी कि मैं करूँगी, लेकिन मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। और आज आप देखें मेरी अलमारी की हालत कैसी हो रखी है। ये देखिए मेरी अलमारी, ये साड़ियाँ सब इधर उधर उथल पुथल, और इसमें सिर्फ मेरे ही कपड़े हैं, बाकी किसी के नहीं है। नीचे और ऊपर, नीचे से लेके ऊपर तक की हालत देखे कितनी खतरनाक हालत है। तो मैं मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था, इसलिए बस सामान आ रहा है और उसके अंदर घुस रहा है, लेकिन सामान में बिल्कुल भी सेटिंग करने का मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला। ये देखिए क्या क्या निकल रहा है, अभी मुझे देखूंगी मैं और लगाऊंगी, क्योंकि शॉपिंग करते हैं, सामान लाते हैं और रख देते हैं बस, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता अलमारी को सही करने का। तो इसमें बच्चे के लोअर वगैरह भी निकल रहे हैं, बाबू के रख दिए थे मैंने इसमें, और ये दीपावली में मैंने ड्रेस निकाली थी, ये भी मेरी भारी रह गई, जबकि ये ड्रेस मैंने पहले बेड के बॉक्स के अंदर रखी थी। तो अब मैं इसको भी करती हूँ, इसकी आवाज़ कम कर भाई, इसमें इसकी। तो ये देखिए सारे कपड़े मैं निकाल के और सारे के सारे मैं तय बना बना के रखूंगी। साड़ियों के ब्लाउज कहीं है, साड़ियाँ कहीं है, बच्चों को रखा है। तो ये सामान कुछ मेरा सिंगार का आया था, मम्मी ने भेजा था, तो ये भी ऐसे ही रखा हुआ, इसको मैंने ठीक से बॉक्स वगैरह में करके नहीं रखा, अभी ऐसे ही पड़ा है बस। एक ये सूट था। तो ये जो भी न्यू न्यू कपड़े हैं जो आए हैं, तो सब कपड़ों की हालत कुछ ऐसी हो रखी है कि जो दुपट्टा मैं ढूंढ रही थी मुझे मिल नहीं रहा था, कैसे मिलता जो कपड़े उथल पुथल रखे हैं। तो एक ये साड़ी है, ये पता नहीं किस तरह खुल गई। तो ये सारे के सारे कपड़े मैं बाहर निकालूंगी और फिर बाहर निकाल निकाल के एक कपड़े को देख के ब्लाउज और साड़ी को एक साथ रखूंगी, ताकि वो जो है ना दोबारा से गड़बड़ ना हो। और एक साड़ी उलझ गई और दूसरी साड़ी कह रही है बाहर मत जा। ये देखो आपस में उलझ उलझ के कुछ ऐसी हालत हो गई है, सूट भी धरी साड़ी भी धरी, तो कपड़े इतने ज़्यादा हो रहे हैं, तो मेरे पास कपड़े इतने ज़्यादा हो गए हैं कि हालत ख़राब हो गई अलमारी की। सब एक जगह रख रखना और सेटिंग से लगानी बहुत मुश्किल पड़ रहा है, क्योंकि जो ऊपर इस वाले बॉक्स के अंदर मैंने रखे हुए थे वो भी नीचे उतर उतर के आ गए हैं, पहने और बाद में इसको यहीं रख दिए, ऊपर नहीं रखे, तो आज मैं ऊपर भी रखूंगी, शायद ऊपर का थोड़ा सा खाली है। देखिए सारे कपड़े मैंने एक दूसरे के ऊपर लगा लगा के सारे इस अलमीरा से बाहर निकाल के रख दिए हैं यहाँ पे, और बाद में जो है मैं उनको ये देख के अच्छे से सेटिंग करके तब इसके अंदर लगाऊंगी। तो दोस्तों अलमारी की सफाई करते करते मुझे अलमारी के अंदर से एक बहुत अच्छी चीज मिली, दिखाओ दिखाओ जल्दी दिखाओ, टप्पू की है स्कूल की फोटो, ये रहा मैं, ये मैंने ला करके ऐसी अलमारी में रख दी थी, डांस एनुअल फंक्शन में इसने डांस किया था, तो ये फोटो कितनी अच्छी आ रखी है इसकी। देखिए दोस्तों सफाई करते करते अलमारी की मुझे एक और बहुत अच्छी सी चीज मिली, ये छोटी सी एल्बम जो मैंने अपने हाथ से बनाई थी, कब दिखा तो इसको लग गई पहले ही, दिखा तो ये मैंने जब बनाई थी जब हमारी शादी हुई थी, और एल्बम आने में लेट हो रहा था, तो जो फोन से फोटो खींचे गए थे, तो वो मैंने फोटो लेकर के निकलवा के ये एल्बम में, मतलब छोटी सी एल्बम खुद बनाई थी 4-5 फोटो की, दिखा देना, तो ये तब की एल्बम है, दिखा तो मम्मा, ये मेरे दोस्त देखिए, हाँ ये मेरे पापा मेरी मम्मी, अरे ऐसे कर ऐसे कर ऐसे ऐसे खड़ी कर, ये मेरी मम्मी, हाँ ये देखिए, ये सालू मामी, हाँ और ये मेरी मम्मी, हाँ तो दोस्तों ये मौसी हैं, मौसी आपकी मौसी, और ये पता और दिखा तो फ्रेंड, ये ना फोटो मोबाइल से ली गई थी, ये भी सालू मामी है, हाँ, मम्मी है, तो ये 4-5 फोटो मेरे पास थी, तो मैंने इस कार्ड के ऊपर ना ये कागज लगा के इसमें चिपका दी थी, ये दोबारा सालू मामी है, क्योंकि हमारी एल्बम बन, सालू मामी आई थी क्या, हमारी एल्बम बनने में टाइम लग रहा था इतनी है, तो मैंने सोचा क्यों ना मेरे पास जो 4-5 फोटो है मैं उसी की बना लूं, तो ये मैंने छोटी सी एल्बम बनाई थी बड़ी प्यारी सी, ये देखिए बहुत अच्छे अच्छे फोटो है इसके अंदर। और अभी हम लेके आए पापा का बिल्कुल, कुछ तो टप्पू ने हालत खराब कर दी इसकी, कहां से चिपक गई थी ये। तो देखिए दोस्तों मुझे एक चीज और मिली, ये तो ये मेरी शादी का है, जो मेरी शादी में फेरों में मुझे लगाया गया था, इसको क्या बोलते हैं मम्मी जी, मोड़ी,
इसे इसे देखो इसे मम्मी। ये मुकुट मम्मी। हाँ पहाड़ी लोग लगाओ शादी के। अरे नहीं यार हम भी लगाते थे मेरी शादी का, देख आज भी नया का नया है। ये देखो इसको मैंने बड़ी सेफ्टी से रखा हुआ था, तो आज ये भी मुझे मिल गया और इसको मैं हमेशा संभाल के रखूंगी। एक बार ना तुम दुल्हन बनी। तो देखिए दोस्तों मुझे एक चीज और मिली, वो है टप्पू का पर्स। और जो टप्पू का नहीं मालूम है भी, मैं उसको सरप्राइज दूंगी। टप्पू टप्पू ये क्या है, ये क्या है? ये अभी मिला मुझे, जो काफी दिन से आप ढूंढ रहे थे ना, ये वही पर्स है। ढूंढ रहे थे ना काफी दिन से। तो देखो मेरे यूनिकॉर्न। तो दोस्तों इसने रख दिया था मेरी अलमारी के अंदर और उसको मिल नहीं रहा था, और ये एक दिन रो भी रही थी लेकिन तब भी नहीं मिला ढूंढने के बाद भी, तो ये आज मिला। ये बड़ी सी चैन है, काफी क्यूट सा पर्स है ना, और इसके छोटा सा। दस रुपए रहने दे रहने दे, जब तो रो रहा था मेरे इतने हैं उतने हैं, गिन गिन के कितने भर रखे। मज्जा ही मज्जा टप्पू के, तो मज्जा ही मज्जा। चलो लाओ रख दू इसी के अंदर जल्दी। दो अरे से अंदर कर दो। तो देखिए दोस्तों मैंने अपनी कुछ साड़ी के ऊपर लगा दी है, तो ये जो है मेरी साड़ी यहाँ थोड़ी पुरानी। तो ये देखिए दोस्तों मैंने अपनी जो कुछ साड़ियाँ इसके अंदर रख दी हैं, ये देखिए यहाँ पे रखी हुई है, और बाकी की नीचे लगाऊंगी मैं, जो मैंने नीचे अभी नहीं लगाई अब लगाऊंगी। तो देखिए दोस्तों एक मुझे मिला है प्यारा सा दुपट्टा। एक्चुअली मैं मेरी वैसे शादी का नहीं है, आपको ऐसा लग रहा होगा कि मेरी शादी का है, लेकिन ये मेरी शादी का नहीं है। ये सिवान सुबह था तब आया था ये, और ये पूजा में करवा चौथ पर हमारे ऐसे ये मतलब यूज होता रहता है, तो इसको मैं ज़्यादा दूर नहीं रखती हूँ क्योंकि फिर जल्दी से मिल जाता है, नहीं तो मिलता नहीं है, ढूंढना पड़ता है बहुत मुश्किल से। देखिए कितने अच्छे से लग गई है, और मैंने जो इस वाले बैग में अपने रखी है जो ड्राई क्लीन वाली साड़ियाँ हैं, और इधर व इधर है जो घर में भी मैं धुल लेती हूँ अपने आप वो वाली साड़ियाँ। और यहाँ आ गए मेरे सूट, ये मम्मी ने सारा, और ऊपर जो ऊपर की जो मेरी एक्स्ट्रा साड़ियाँ थी वो मैंने ऊपर भेज दी सारी। और यहाँ पे जो है ना ये मेरा ज्वेलरी का ये जो बॉक्स है घर वाला, इसमें मैं अपनी ज्वेलरियाँ रखती हूँ, चूड़ियाँ जो मेरी फेवरेट है। ये कभी काली, ये वाली जो साड़ी है ना ये काली वाली है, कभी पहन के दिखाइयो। क्यों पहनी थी गाँव में गए थे जब पहनी थी, तो ये मेरा ज्वेलरी का बॉक्स है, और इसमें परफ्यूम वगैरह रखे हुए हैं। मेरा टाइम खराब। तो फ्रेंड हम हो रहे हैं यहाँ पे तैयार रात में दीदी के यहाँ जाने के लिए, आई मीन मेरी नंद के यहाँ, क्योंकि दीदी के यहाँ आज हमारा डिनर है। तो दीदी हमारा खाना ना हर साल भैया दूज के, वैसे तो भैया दूज पे करते हैं खाना, लेकिन भैया दूज पे ना उनके भाई होते नहीं है, दूसरी दीदी के यहाँ जाते हैं, तो इस वजह से आज ही डिनर रखा हुआ, तो हमें आज ही भैया दूज के खाने का इन्वाइट है, तो हम आज जा रहे हैं दीदी के घर, हर साल जाते हैं वैसे हम। बाबू आ जाओ कपड़े पहनो जल्दी जल्दी आ जाओ, नंगू नंगू नो नो देख अल्ले अल्ले बाबू आगे चला जाओ, बाबू आ जाओ, बाबू मिल गया बाबू। मस्ती नहीं करी, मस्ती कर लो। खेल लो खेल लो खेल लो खेल लो, नहीं 2027 में नहीं तो 27 तारीख को लो। खेल लो खेल लो खेल लो, लगाओ अपना कैरम बोर्ड इधर लगा लो। और यहाँ हमारा सिवान बॉल पे कब्जा करके बैठ गया आते के साथ ही। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, उसको भी एक गिट्टी विट्टी दे दो ना। सिवान की मस्ती है, ये अकेले अकेले लगावा, किसी किसी की जरूरत नहीं, अकेले लगावा। और एक पे घुलेगी ठीक है, आपकी यहाँ पे वाली है कि भी आपकी यार पाओ लाओ लाओ लाओ। अरे वाह लो अब लो लो लो, नहीं गिट्टी नहीं गिट्टी नहीं, ये ले लो अब ले लो, देखो देखो ये दोनों तुम्हें खेलने नहीं देंगे। चलो बाहर चल रहे हैं हम तो। और
दोस्तों यहाँ आ गया खाना मखनी गोभी और ये बूंदी का रायता रोटी। तो हमने पूरी के लिए दीदी को मना कर दिया था।